नेता की शर्मनाक हरकत। स्मृति ईरानी पर कर दी अभद्र टिप्पणी, कहा आप जैसी चीजों को हक नहीं कि आप अपना वजन बढ़ा ले। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। स्मृति ईरानी बीजेपी की एक कद्दावर नेता, एक सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है। अपनी बातों को बेबाकी से बोलने की कला की वजह से इन पर अक्सर घमंडी होने का आरोप भी लगता आया है। लेकिन एक पॉडकास्ट के दौरान स्मृति ईरानी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। ये जो खुलासा हुआ है, सभी के दिमाग में उसके बाद कांग्रेस को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल से ही स्मृति ईरानी के ऊपर घमंडी होने के आरोप लगे। अब इसी आरोप पर स्मृति ईरानी ने खुलकर अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि उनका घमंड नहीं बल्कि उनका अनुशासन है। देश के जाने माने एंकर सुशांत के पॉडकास्ट में स्मृति ईरानी ने खुलकर अपनी बातों को रखा और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता के बारे में एक ऐसा खुलासा कर दिया जो कि शर्मनाक है। पॉडकास्ट के दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने एक पुरानी घटना का जिक्र किया और कहा, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन यूपीए के कार्यकाल में जब मैं सांसद थी तो उपराष्ट्रपति हामिद साहब के घर एक पुस्तक विमोचन में गई थी। मैं उपराष्ट्रपति जी की बेटी के साथ खड़ी थी। इसी दौरान कांग्रेस के कद्दावर नेता आए जो एक जमाने में विदेश मंत्री भी थे, अब तो निधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि आप जैसी चीजों को हक नहीं कि अपना वजन बढ़ा ले। इस पर मैंने कहा, आप जैसे लोग ना देखे इसलिए वजन बढ़ाया जाता है। वो आगे पॉडकास्ट के दौरान बताती है कि घमंडी होने और अनुशासन में रहने में क्या अंतर है। सुशांत से बातचीत के दौरान वो कहती है, अब अगर इस तरह से स्पष्ट बोल दिया जाए तो कुछ लोग आपको घमंडी बोल देंगे, अगर आपका एक अनुशासन है तो लोग ऐसी बात करेंगे। बॉलीवुड एक्टर हो या टीवी एक्टर, इन लोगों के लिए आपस में मिलने जुलने का एक ही तरीका होता है, वो है पार्टी। पार्टी में मिलने जुलने से एक दूसरे से इनका कॉन्टैक्ट बनता है और करियर में तरक्की मिलती है। लेकिन स्मृति ईरानी शुरुआत से ही कभी पार्टियों में जाती ही नहीं थी, उन्होंने पार्टियों में जाना इग्नोर किया है। वो इस बात को लेकर कहती है, मैं जब इंडस्ट्री में थी तब भी ऐसा कहा जाता था, मैं पार्टियों में नहीं जाती थी, लेकिन अच्छा खासा करियर पार्टियों में जाए बिना ही मिला। मैंने 22 प्रोजेक्ट एक्टर के तौर पर किए, लेकिन कभी पार्टियों में जाकर तो काम नहीं मिला। उन्होंने अपने पॉडकास्ट के दौरान नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर अनुशासन नहीं होता तो नरेंद्र मोदी जी देश के लिए इतना काम नहीं कर पाते। उन्हें खुद चाटुकारों से नफरत है, कोई उनके शान में दो कसीदे फालतू पढ़ दे तो वो नमस्ते करके उठ जाएंगे। उनकी जो छवि बनाई गई है वो सही नहीं है। खैर, ये तो थी पॉडकास्ट की बात, पर इस बातचीत के दौरान जो बातें स्मृति ईरानी ने बताई उससे भारतीय महिलाओं के साथ साथ आम लोग भी ये सोचने को मजबूर है कि जिस नेता, जिस जनप्रतिनिधि के कंधे पर देश की और देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता का कैसे हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों के मंच पर जाकर भारत में सुरक्षा और संविधान की बात करते हैं, लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो शायद लगता है कि कांग्रेसियों से ही देश और खासकर महिलाओं की सुरक्षा करना एक बड़ा टास्क है। एक कांग्रेसी जो सांसद को कुछ भी नहीं समझ रहा, जो उन पर अभद्र टिप्पणी कर रहा, वो आम महिलाओं को क्या ही समझेगा। बता दें कि स्मृति ईरानी बीजेपी की एक दिग्गज नेता है, अमेठी से सांसद भी रह चुकी है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वो लोकसभा तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन उनका ये हार ये तय नहीं करता कि वो अच्छी और दमदार नेता नहीं है। तभी तो इसको देखते हुए बीजेपी ने उन्हें दिल्ली जैसे राज्य की कमान सौंपी है, विधानसभा में जीत दिलाने का जिम्मा सौंपा है। खैर, एक कांग्रेसी नेता जो कहता है कि आप जैसी चीजों को हक नहीं कि आप अपना वजन बढ़ा ले, इस टिप्पणी पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी का मुंह तोड़ जवाब आया है, उन दोनों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।